हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो बाइक्स के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ, उन बाइक्स के बीच में आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सी लेना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले R15S वर्सेज R15V4 के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन मार्केट में दोनों ही बाइक अभी अवेलेबल हैं एंड दोनों बाइक में काफ़ी हमें कन्फ्यूजन होना लगता है कि हमें कौन सी खरीदना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में तो दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करके आपको देने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बाइक के साथ में जाना चाहिए, आपको दोनों बाइक्स में कितना डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस डिटेल्स के बारे में, कि दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, R15 जो V4 है, रेसिंग ब्लू कलर जो आप लोगों के सामने वीडियो में देख रही है, ये एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,86,700 रुपीज़, 1,86,600 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें अपनी R15S के बारे में, तो S जो है वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,64,400 रुपीज़ के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। मतलब अगर मोटा माटी देखें तो दोनों बाइक में आपको अराउंड 20,000 रुपये के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंसेस है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है फिर आप पे कि आपको कौन सी पसंद है, बाकी प्राइस डिफरेंसेस तो अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों का जो इंजन है ना वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। जी हाँ, दोनों के इंजन में आप लोगों को कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता, दोनों ही बाइक में आपको सेम इंजन कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, बात कर ले इंजन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में दोनों बाइक में आपको 155cc का लिक्विड कूल 4:4 लिक्विड कूल जो इंजन है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों दोनों ही बाइक जो मैक्सिमम पावर में लगभग 18.4 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है एंड 14.2 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है। मतलब आप यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि दोनों बाइक में आपको पावर में कोई डिफरेंसेस नहीं मिलता, दोनों ही बाइक में आपको लिक्विड कूल जो इंजन है वो देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक में दोस्तों आपको फ्यूल सिस्टम में FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर के साथ में दोनों ही बाइक को डिज़ाइन किया गया है। दोनों बाइक E20 BS6 नॉर्म्स के साथ में आती है। दोनों बाइक की बोर साइज 58mm की एंड 58.7mm की स्ट्रोक साइज हमें दोनों बाइक की देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पर भी आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं मिल रहा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि दोनों ही बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, R15 जो V4 है उसमें आप लोगों को किक शिफ्टर भी देखने को मिलता है, बट अपनी जो R15S है उसमें आप लोगों को किक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। तो एक मेजर डिफरेंसेस आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट टायर साइज के बारे में, तो दोनों बाइक में आपको जो पहले आप जान लीजिए माइलेज प्लस परफॉर्मेंस, बाकी दोस्तों आप दोनों के इंजन के बारे में जान लीजिए कि दोनों में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, दोनों बाइक सेम मतलब पावर निकाल कर जनरेट करके देती है। बात करें माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो अब ऑब्वियसली बात है यार, इंजन सेम है तो माइलेज एंड परफॉर्मेंस भी आपको सेम मिलेगा। लगभग 40 के आसपास का जो माइलेज आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। 0-100 में दोनों बाइक को लगभग 10 सेकेंड लगते हैं एंड टॉप स्पीड अराउंड दोनों बाइक की 145 से 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास की देखने को मिल जाती है। चलिए अब आ जाते हैं दोनों के फ्रंट में। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों अपनी जो R15 V4 है उसमें आप लोगों को USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट अपनी R15 जो S है उसमें आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। टायर साइज में दोनों में आपको फ्रंट में 180 की टायर साइज देखने को मिलती है। ब्रेकिंग में आते हैं, तो ब्रेकिंग में दोस्तों दोनों बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ABS है, जो कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। प्लेट साइज के बारे में बात कर ले तो दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में 282 के आसपास की जो प्लेट साइज है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिलती है। प्लेट साइज भी आपको बाइक में दोनों की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करें टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको दोनों में 180 की जो आसपास की जो टायर साइज है वो आपको दोनों में फ्रंट में देखने को मिलती है, और टायर साइज दोनों की सेम है। दोनों में आपको MRF का जो ब्रांड टायर है वो देखने को मिलता है, मतलब MRF की
टायर दोनों में आती है टायर्स। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक की फ्रंट लाइट्स के बारे में। जी दोस्तों अब दोनों की लाइट्स के बारे में बात कर लेंगे, लाइट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। सबसे पहले आप R15S की लाइट देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों बाइक में आप लोगों को डुअल सेटअप में जो है LED लाइट देखने को मिलता है। आप देख पा रहे हैं बाइक में आपको डुअल सेटअप में जो LED लाइट है वो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड DRL लाइट भी आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी, तो लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। बात करें अपनी R15 V4 के बारे में, तो R15 V4 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को बाइक में भी DRL LED लाइट देखने को मिलती है, बट मेन लाइट में बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको R15 V4 में देखने को मिलती है। तो लाइटिंग के मामले में R15 V4 की भी लाइट काफ़ी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की लाइट बहुत अच्छी है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है, बट अगर लुकिंग के बारे में बात कर ले तो पता नहीं क्यों मुझे R15S ज़्यादा बेटर लगती है, यानी कि V3 उसका फ्रंट लुक जो है ना भाई वो बहुत मुझे प्यारा लगता है डुअल LED लाइट। आपको कौन सी अच्छी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर की तरफ। टेल लाइट में दोनों बाइक में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है, ठीक है, दोनों का एग्जॉस्ट भी सेम है। रियर में आप लोगों को दोनों बाइक में सेम टायर मिलते हैं, जी हाँ 140/70 के टायर से रियर में दोनों में मिलेंगे। रियर में आपको 230mm की जो डिस्क ब्रेक है वो आपको दोनों बाइक में मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। R15 V4 जो है मतलब दोनों की जो सीट हाइट है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। दोनों की सीट हाइट आपको ऑलमोस्ट 815mm के आसपास की देखने को मिलती है, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 इंच से ऊपर है तो आप तो कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। मतलब यार थोड़ा सा हाइट की भी ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी हाइट की जो ज़रूरत है आपको दोनों बाइक में नीट पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर ले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो R15 V4 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 170mm का, दोनों का आपको 170mm के आसपास का देखने को मिल जाता है। तो बाकी दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी है, मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप दोनों बाइक का लुक देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो लुक है आपको दोनों बाइक का देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट की एक वन ऑफ दी बेस्ट बाइक है इंडियन मार्केट की। दोनों ही बाइक की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि R15 V4 से ज़्यादा R15S की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए आवाज आते हैं स्पीडोमीटर में। सबसे पहले आप R15 V4 का स्पीडोमीटर देख लीजिए। बाइक में आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर है दोस्तों आपको देखने को मिलता है R15 V4 में। लेकिन दोस्तों R15 V4 है ना, इसका स्पीडोमीटर में थोड़े ज़्यादा फीचर आपको मिलेंगे, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, रियर लिमिटर इंडिकेटर। R15 V4 में आप लोगों को दो राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं एंड इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, ठीक है, जो कि अपनी R15S में आपको नहीं मिलेगी, आप इसका ध्यान रखिएगा। आप R15S का मीटर देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। इसमें भी आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल कंजम्पशन गेज, क्लॉक, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सारे फीचर मिलेंगे, बट मोबाइल जो कनेक्टिविटी है वो आपको R15S में देखने को नहीं मिलता। सो इतना फ़र्क आपको स्पीडोमीटर में मिलता है। तो दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो। अब दोस्तों बात आती है कि भाई दोनों में आपको कौन सी खरीदना चाहिए। देखिए मेरी नज़रों में दोनों ही बाइक बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे डिपेंड करता है सबसे पहले आपका बजट कि आपके पास पैसे कितने हैं। देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जस्ट गो फॉर इट R15S, और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आपको R15 V4 के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि जो नई चीज़ होती है वो नई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई R15S अच्छी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, बट ये है कि जो नई चीज़ है वो थोड़ी सी नई हो जाती है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी बाइक खरीदने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।